हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़िया गुरुकुल। ऑटोकैड के आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि हम लोग ऑटोकैड के ऊपर सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की आपसे रिक्वेस्ट है, वह अपने चैनल पर नहीं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो जैसे कि भी आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे स्क्रीन के ऊपर ऑटोकैड स्टार्ट हो चुका है। मैंने पिछले क्लास में आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बतलाया था। इस क्लास में हम लोग बात करते हैं सर्कल की। आप होम टैब के अंदर अगर ड्रॉ सेक्शन में देखें तो आपको एक ऑप्शन सर्कल का मिलता है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हो, इसमें एक आपको डाउन एरो की दिया गया है। आप इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, और फिर टेंजेंट 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 है। ये हमारे पास 6 ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिए गए हैं जिसका यूज करके हम सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेंटर रेडियस की। हमें सर्कल को ड्रॉ करना है रेडियस की मदद से। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक पॉइंट को स्पेसिफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो हम एक पॉइंट को स्पेसिफाई किए, अब हमें कितने रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है वो हमें सेट करना होगा। ये देख सकते हैं हमारे रेडियस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी हम यहाँ पे देखिए इसमें आएंगे अपने कमांड लाइन में और यहाँ पे हम 10 एंटर करेंगे और एंटर। तो ये हमारे 10 रेडियस का एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया। मैं फिर से आपको एक बार दिखला देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब इस बार मैं 15 रेडियस का बनाना चाहता हूँ। मैं 15 पे एंटर किया, ये देखिए हमारे सामने यहाँ पे 10 रेडियस का और 15 रेडियस का हमें यहाँ पे 2 सर्कल मिल गए। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, सेंटर डायमीटर। तो सेंटर डायमीटर क्या होता है, हमें सबसे पहले एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा और हम कितने डायमीटर का सर्कल बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 20 का बनाते हैं, तो हम एंटर किए। तो यहाँ पे अभी आपने नोटिस किया, यहाँ पे मैंने 15 रेडियस का सर्कल बनाया था और ये मैंने 20 डायमीटर का सर्कल बनाया। ये दोनों, ये सर्कल जो 15 रेडियस का है वो बड़ा है और यहाँ पे जो रेडियस है वो छोटा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस हमें मेजर करता है सेंटर से इस सर्कल तक। रेडियस क्या होता है, हमारे सेंटर से इस सर्कल की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। जबकि डायमीटर क्या होता है, हमारे इस सर्कल से रेडियस होते हुए इस दूरी को हम लोग डायमीटर कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके सेंटर होते हुए जो यहाँ तक लाइन टच करता है उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारा डायमीटर में बना और ये हमारे रेडियस में बना, इसलिए हमारा जो रेडियस वाला है वो बड़ा हुआ और जो हमारा डायमीटर था 20 डायमीटर होने के बाद भी ये छोटा हुआ। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है 2 पॉइंट का। हम लोग 2 पॉइंट का यूज़ करके इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पहला पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया, अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ। ये हमारा 2 रेडियस की मदद से यहाँ पर बना हुआ है। हम यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले लाइन कमांड के द्वारा कुछ बना लेते हैं। पहले ये मैंने 2 पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैं फिर से लाइन कमांड को एक्टिव कर लेता हूँ। मैं कुछ इस तरह का बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बना दिए। अभी जैसे कि मुझे ज़रूरत है एक सर्कल को 2 पॉइंट में ड्रॉ करने की, तो मुझे पहला पॉइंट यहाँ चाहिए और दूसरा पॉइंट कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो इस तरह से मैं 2 पॉइंट का यूज़ करके एक सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। साथ में मैं 2 पॉइंट अगर यहाँ पे भी यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 पॉइंट का यूज़ करके एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम आगे बात करते हैं 3 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है। सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। साथ में मैं चाहूँ तो 2, 3 सर्कल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे 3 सर्कल भी ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट का क्या काम होता है, पहला पॉइंट मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। हम फिर से 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं।
हम इस एक पॉइंट को, दो पॉइंट को और ये तीसरे पॉइंट को, ये तीन पॉइंट को जो हमने क्लिक किया, हमारे ये तीन पॉइंट को मिलाते हुए एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ किया गया। अब हम यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम पहला इसे यहाँ किए, दूसरा यहाँ और तीसरा हम यहाँ करते हैं। ये हमारा तीन पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिला है। तो ये काम था हमारे थ्री पॉइंट का। अब हम आगे बात करते हैं टेंजेंट रेडियस की। तो टेंजेंट रेडियस का क्या काम होता है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ये मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, मैं कुछ और लाइंस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे तीन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तीन लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ टेंजेंट की। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन यहाँ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये तीनों को मिलाते हुए एक मुझे यहाँ पे सर्कल मिल गया। यहाँ पे फिर से मैं दूसरे को बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसे, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को मैंने आइडेंटिफाई किया। अब मुझे यहाँ पे ये तीनों लाइन को ड्रॉ करते हुए एक लाइन यहाँ पे मिल गया। जैसे कि मैं इसे अगर आगे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये इसके ऊपर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इससे यहाँ से डिलीट करना है, सॉरी मैंने दोनों को डिलीट कर दिया, सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। फिर से सर्कल के ऊपर आऊँगा, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए हमें फिर से सर्कल यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप टेंजेंट का यूज़ करते हो। लेकिन अभी हम बात करते हैं टेंजेंट रेडियस की, इसका क्या काम होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है टेंजेंट रेडियस की। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट और ये दो ऑब्जेक्ट मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया, मुझे इन दोनों के बीच चाहिए, लेकिन मुझे कितने रेडियस का यहाँ पे सर्कल चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 10 एंटर किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे यहाँ पे एक सर्कल मिल गया। तो इस तरह से आप कोई भी टेंजेंट्स को, कोई भी सर्कल को ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अभी आपको मैंने बहुत सारे सर्कल्स को यूज़ करना सिखलाया, आप इन सबको प्रैक्टिस करें बारी बारी से, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है वो एक परफेक्ट वे में हो। जिसके बाद अब आप आगे हम लोग बात करेंगे आर्क, पॉलीनोमियल सबको यूज़ करने की। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के इस क्लास में इतना ही, अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बनाए इससे, थैंक यू।